बाद एक बार फिर लौटेंगे खबरों की ओर, आगे बढ़ेंगे जहां एक तरफ विपक्ष रैली का विरोध कर रहा था तो वहीं कर्मचारी संगठन भी काले कपड़े पहनकर विरोध करते नजर आए। आंगनबाड़ी वर्करों ने कई जगह पर काले कपड़े पहनकर काला दिवस मनाया। आंगनबाड़ी वर्कर अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठी है और धरने का आज चौथा दिन है। आइए एक रिपोर्ट देखते हैं आंगनबाड़ी वर्करों के इस धरने को लेकर। हिसार के लघु सचिवालय के सामने अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे आंगनवाड़ी वर्कर्स का धरना आज चौथे दिन भी जारी रहा। आंगनवाड़ी वर्करों ने काले कपड़े पहनकर और काले झंडे लेकर हिसार के लघु सचिवालय से लेकर फवारा चौक तक प्रदर्शन किया। इस मौके पर सरकार का पुतला भी फूका गया। आंगनवाड़ी वर्कर यूनियन की मांग है कि आंगनवाड़ी वर्करों को सरकारी कर्मचारी के समान दर्जा दिया जाए और उनका न्यूनतम वेतन 18,000 रुपए दिया जाए। इन तमाम मांगों को लेकर पुतला दहन किया गया। आंगनवाड़ी वर्कर यूनियन की राज्य महासचिव जगमती मलिक ने कहा कि आज उनके धरने का चौथा दिन है और उन्होंने सरकार का पुतला फूंक कर अपना रोष प्रदर्शन किया है। हमारे को 5 दिन हो गए और राज्य भर में 5 दिन से हम धरने पर बैठे। हमारी मांग है हमारे को थोड़ा मानदेय दिया जा रहा है, सरकारी कर्मचारी का दर्जा दे हमारे को सरकार, ये हमारी मुख्य मांग है। आज हमने हरियाणा सरकार का पुतला फूंका है। आंगनवाड़ी कर्मचारियों की ये मांग काफी वक्त से चली आ रही है और अब चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी तो असहयोग का रास्ता अपनाने पर मजबूर होना पड़ेगा। इसके अलावा आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर सैकड़ों की संख्या में दादरी शहर के रोज गार्डन में एकत्रित हुई और आज के दिन को काले कपड़े और चुन्निया पहनकर काला दिवस के रूप में मनाया। यहां से रोष प्रदर्शन करते हुए लोहारू रोड स्थित बाडरा के भाजपा विधायक सुखविंदर मांढी के निवास पर पहुंची और घेराव किया। जो आज हमने रोड जाम किया और जो घेराव किया है ये रोष जताते हुए किया है कि हमारा जो सुखविंदर मांढी है, हमारे जो चरखी दादरी के बिल्कुल ही नजदीक बीजेपी सरकार में है और उन्होंने हमारा आज तक कोई सुनाई नहीं की है, ये रोष जताते हुए किया है। हमें बहुत रोष है। सबसे बड़ा दुख आज हमें सुखविंदर मांढी पर भी है कि उन्होंने बीजेपी सरकार में होते हुए आज तक हमारी कोई सुनाई नहीं की है। इसलिए हमने जो उनका घेराव किया है इस जोश पे किया है कि वो बहनों की सुनाई क्यों नहीं करते। हमारे बीच बीजेपी जो नेता के अंदर हैं तब भी वो सुनाई नहीं कर रही। चीन में जहां बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की रैली थी तो वहीं कर्मचारी संगठनों ने अपनी ही तरह से विरोध प्रदर्शन किया। बाकी विभागों के कर्मचारी भी इनका साथ देते नजर आए। अब सरकार इनकी तरफ कब ध्यान देती है ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। आंगनबाड़ी के राज्य सचिव शकुंतला इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन के जरिए मौजूद हैं। शकुंतला जी, मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन लगातार पहली बार नहीं है जब मांगों को लेकर आवाज उठा रहे हैं या धरना दे रहे हैं, क्या लगता है क्यों सुनवाई नहीं हो रही? मेरा नाम शकुंतला है, मैं आंगनबाड़ी वर्कर यूनियन की राज्य महासचिव संबंधित सीआईटी हूं जी। हम ये कह रहे हैं कि ये जो धरने कटे हुए हैं ये हमारी यूनियन के नहीं है, ये जो एक गुट हम ये कह सकते हैं कि जो सीआईटी से अलग निकल के चला गया है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा इसमें ये कहना है कि लोकतंत्र में सबको अपनी आवाज उठाने का अधिकार है, अपने हकों के लिए लड़ने का अधिकार है। 47 साल से ICDS जो स्कीम चली हुई है, लेकिन केंद्र और राज्य सरकार जो इससे मौन है, लगातार वर्कर हेल्परों से जो अधिकार करवाई जा रही है और हम भी लगातार जो इस चीज को लेके धरने प्रदर्शन करते आए हैं और 16 तारीख को हरियाणा के अंदर हम भी जिला स्तर पे अधिकारियों का घेराव कर रहे हैं और सरकार को जो है जो मैं शकुंतला जी समझी नहीं, जो ये धरने पर बैठी है इस पर आप बात कीजिए, आप इसके हक में है या नहीं है? आवाज उठाने का अधिकार है, जायज मांगे हैं उस पर आप बोल नहीं रही, आप बैलेंस करने की कोशिश में हैं। मांगे इनकी जायज है, इन्हें ये बात रखनी चाहिए जो मांगे मान रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये जो कर्मचारी के दर्जे के लिए आंदोलन लगातार जारी है, जब तक कर्मचारी ना माना जाए तब तक कम से कम हमारी मजदूरों में गिनती होनी चाहिए, कम से कम दिहाड़ी जो न्यूनतम वेतन हम कह रहे हैं वो लागू होना चाहिए।